जी मैम, आप TET परीक्षा संपन्न हो रही, क्या व्यवस्थाएं केंद्र पर? देखिए, यहाँ राजकीय बालकंठ कॉलेज में 500 परीक्षार्थी हैं जो यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, और गेट पर ही इनका कोविड टेस्ट बनाया गया है, जिस पर इससे संबंधित सामान उपलब्ध है, उनका स्कैनिंग की जा रही है। यदि कोई इस तरह का पाया जाता है कि वो कोविड पेशेंट है, तो उसके लिए अलग रूम है, कोविड रूम बना हुआ है, जहाँ वो परीक्षा दे सकता है। और बाकी सारी व्यवस्थाएं संपन्न है, पूरी सुचारू है, और अभी तक कोई ऐसा निकला नहीं परीक्षार्थी। कितने ऑक्सीमीटर वगैरह की भी व्यवस्था है, 500 परीक्षार्थी हमारे यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। सर, TET परीक्षा संपन्न हो रही है, आपके केंद्र पर कितने परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, और जांच के दौरान कोई कोविड पेशेंट निकला है, और अगर निकलता है तो क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? नहीं, राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर में 500 परीक्षार्थी यहाँ पे पंजीकृत हैं, और अधिकांश परीक्षार्थी आए हैं, और हमने यहाँ पर थर्मल स्कैनर से उनकी स्कैनिंग कराई है, और मास्क प्रॉपर हमने चेक करा है, और कोई भी परीक्षार्थी अभी तक कोविड के लक्षण से युक्त नहीं पाया गया है, और परीक्षा चल रही है बड़ी शुचिता और पारदर्शिता से, हम लोग लगे हुए हैं और परीक्षा को सकुशल संपन्न कराएंगे। सर, अगर कोई पेशेंट ऐसा निकलता जिसको लक्षण होते कोविड के, तो उसके लिए क्या व्यवस्था थी? उसके लिए अलग से एक रूम बनाया गया हुआ है, अगर वो ट्रेस आउट होता है तो हम वहाँ पर उसको ले जाके अलग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए प्रॉपर वे में परीक्षा कराएंगे, और उसके लिए CMO साहब के स्तर से भी स्टाफ लगा हुआ है।